नमस्कार, मैं आशा पांडे ओझा उदयपुर राजस्थान से जन सरोकार मंच टोंक के यात्रा अनवरत कार्यक्रम में आज हाजिर हूँ आपके साथ। जाने माने मूर्तिकार लक्ष्मण जी व्यास, जो कि हमारे ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। स्विच ऑफ हो गया मेरा। अम्बू दे दे बेटा। मेरे को दिलाई दो ना अम्बू का, मैं परेशान हो जाऊंगी ऐसी। चाहती हूँ आवाज जी, क्षमा चाहती हूँ, मैं खुद को नजर ही नहीं आ रही थी, स्क्रीन ऑफ हो गई थी। कुछ फोन ट्रबल कर रहा है, शायद नेटवर्क इश्यू हो रहा है। क्षमा चाहती हूँ। पुनः आपका स्वागत है जन सरोकार मंच टोंक पर। लक्ष्मण व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है आपका जी। तो आप मूर्ति कला से जुड़े हुए बहुत जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने राजस्थान में ही नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर भी मूर्ति कला में अपना नाम स्थापित किया है और बहुत ही जाना पहचाना नाम है। आपने अशोक स्तंभ की, अभी जो जयपुर में आपने बनाया और संसद भवन में जो लगा है, बहुत चर्चा में रहा, सारी दुनिया जानती है, और हमारा राजस्थान इनकी वजह से चर्चा में आ गया। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए आपको बधाई देने के साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपकी कहानी, आपकी जवानी, कि किस तरह मूर्ति कला से आपका जुड़ाव हुआ, किस तरह आप इसको आगे लेके गए, आपके जीवन में जब इस क्षेत्र से जुड़े तो क्या क्या बाधाएं आई, घर वालों की क्या हसरतें रही थी, और आपने अपनी हसरतें पूरी करने के लिए क्या स्ट्रगल किया, आपकी कहानी, आपकी जबानी। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं एक गांव जो हनुमानगढ़ जिले के नोहर एक गांव है, कस्बा है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे पिताजी शिक्षक थे, शिक्षा विभाग से। और बचपन में हमारे क्या है कि आपको पता, राजस्थान में दौरे होते ही हैं, और मैं अक्सर दोनों पे चला जाया करता था। जब बारिश होती थी तो उसके बाद में वहां से मेरा एक लगाव, क्योंकि कला संस्कृति की तरफ हमेशा लगाव रहता था। कभी भी कोई भी हाथ में पेन होता था या कुछ भी होता था तो चित्र बनाना, ये करना, दिवाली पे भी घर में कुछ ऐसे कुछ करना होता, रंगोली जैसा, तो मैं करता था। उसके बाद में धीरे धीरे मेरा वहां पे मिट्टी के मंदिर बनाना, धोरों पे जाके, तो फिर पिताजी को लगा कि ये आर्ट की तरफ रुझान है इसका, तो मुझे 10th के बाद में मुझे फाइन आर्ट दिलाई उन्होंने, ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो उसके बाद मेरा जब 12th हो गया तो अब उनके समझ में आया आगे क्या करना है, कि यहाँ तक इसको ले आए तब इसको आगे, तो हमारे तो एरिया में कुछ उस वक्त था नहीं, फाइन आर्ट आज भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि फिर जयपुर भेजना चाहिए, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब वहां थे जयपुर में उस समय, तो उन्होंने प्रयास किया और मेरा यहाँ पे एडमिशन हो गया जयपुर में, राजस्थान विश्वविद्यालय में। तो स्टार्टिंग में मैं 2 साल पेंटिंग का स्टूडेंट रहा था, लेकिन मेरा मन नहीं लगा पेंटिंग में। फिर मैंने वहां से 2 साल ड्रॉप करके, घर वालों को पता भी नहीं था ये बारे में, और मैं मूर्ति कला में मैंने एडमिशन लिया जो राजस्थान विश्वविद्यालय में। फिर मैंने वहां से अपने डिग्री की मैंने, और उसके बाद फिर अपनी, क्योंकि हर माता पिता ये चाहते हैं कि पिता बेटा लेक्चरर बने या कोई जॉब में जाए, और सबकी ये इच्छा होती है। तो लेकिन मेरे तो ये कि था कि मुझे एक मूर्तिकार बनना है सफल, और भारत का नाम विश्व में करना है। तो उसी कड़ी में मैंने शुरुआत की और मैं इसमें इसी में लग गया मैं। लेकिन माँ शारदा के जो पुत्र होते हैं उनको एक दिन जरूर कामयाबी मिलती है। तो मैंने प्रयास तो मैंने किया, प्रयास किया धीरे 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 आगे धीरे। बढ़ते गए, फिर ईश्वर ने मौके दिए, भगवान हमेशा साथ रहा मेरे, और ईश्वर की कृपा है आज कि उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ाया।
फिर मैंने जीवन में स्टार्टिंग में ही मैंने जब काम शुरू किया तो मुझे एक चैलेंजिंग वर्क मिला, जो बाघा बॉर्डर पे एक स्टैचू लगना था 24 फीट का, तो मुझे बोले आप इसको कर सकते हो क्या, तो मैंने बोला हाँ करेंगे। तो वहां से हमने शुरुआत की। फिर मैं जब कॉलेज में था तो क्योंकि शिक्षक के बेटे थे तो इतनी, क्योंकि मूर्तिकला में काफी ज्यादा खर्चे ज्यादा होते हैं, तो उस समय जो एकेडमी की जो स्कॉलरशिप है वो मैंने ली। उसके बाद स्टूडेंट स्टेट अवार्ड है वो मुझे मिला, कला मेला में मुझे अवार्ड मिले एकेडमी के। फिर धीरे धीरे मैं काम में लग गया और अपने काम को अंजाम देने की में लग गया और लोगों को लगा कि ये अच्छा काम कर रहा है, तो फिर मुझे मौके मिलते गए। ये रहा मेरा स्टार्टिंग का। जी, आपको मौके मिलते गए, तो क्या आपको याद है कि आपने पहली मूर्ति मतलब वो जो ऑर्डर मिलने से पहले, जो बाघा बॉर्डर के लिए ऑर्डर मिला उससे पहले आपने सबसे पहले कौन सी मूर्ति बनाई थी, क्या आपको याद है? एक्चुअली में क्या है कि स्ट्रगल एक जिंदगी थी, तो हमने तो शुरुआत में दीवारें भी पोती है, क्योंकि कलाकारों का जो सर्वप्रथम जो स्टार्टिंग का जो समय होता है वो स्ट्रगल पे ही होता है। हर कलाकार का, कोई भी विधा का कलाकार हो, उसका जो स्टार्टिंग जीवन होता है तो वो हमेशा ही स्ट्रगल उसके साथ होता है। तो धीरे धीरे हमने शुरुआत की, तो शुरुआत में तो काफी छोटे मोटे काम किए। एक यहाँ पे जयपुर में एक मॉल है, उसमें छत पे कोई हैंगिंग स्टेज स्कल्पचर लगना था, वो मेरा पहला स्कल्पचर था, तो हमने उसमें प्रयास करके और उसको बनाया था। हमें लगा कि बहुत बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि वो एक 5 फीट का, जो आज हमें लगता है कि आंख मिच के भी कर सकते हैं। तो ऐसा शुरू में जो 5 फीट का मिला तो लगा कि हाँ बहुत बड़ा काम मिला है, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उस 5 फीट से लेके और ये अशोक स्तंभ बनाने तक की यात्रा निश्चित रूप से बहुत स्ट्रगल भरी रही होगी, निश्चित रूप से इस यात्रा में कई पड़ाव आए होंगे, कई परेशानियां और कई बाधाएं आई होगी, लेकिन आपकी हिम्मत, आपके जोश और आपके जज्बे और जुनून से आपने उसको पार किया। लेकिन क्या आपने कभी ये भी सोचा था ये काम करते हुए कि कभी एकदम से आप इस ललित कला अकादमी के अध्यक्ष बना दिए जाएंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था इस बारे में कि मुझे एकेडमी का चेयरमैन बनाया जाएगा, लेकिन मैं इतने वर्षों से काम कर रहा था, फिर सोशल में भी काफी काम किए हमने और समय समय पे काम करते रहे। फिर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को लगा कि ये एकेडमी का जो है एक कलाकार को इस पद पे देना चाहिए, और उन्होंने मेरा चुनाव किया। जी, और आपके चुनाव के लिए सचमुच अशोक गहलोत जी को तो साधुवाद बनता ही है, और आपको बहुत बहुत बधाई एक युवा मूर्तिकार को, एक युवा कलाकार को इस अकादमी के लिए चुनने के लिए। निश्चित रूप से एक जब युवा अकादमी के शीर्ष पर होता है तो उनकी सोच एक अलग होती है, उनकी दृष्टि एक अलग होती है, तो अब आप अपनी सोच और दृष्टि से क्या देख रहे हैं, क्या बदलाव करना चाहते हैं, या कहाँ तक देख रहे हैं, दूर दराज के गांव के लिए क्या योजनाएं लेकर आ रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ, और हमारे दर्शक और श्रोता जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो भी जानना चाहते हैं, उन सभी का भी स्वागत है। अभिनंदन है, हमारे साथ प्रोफेसर पी के दशोरा जी भी जुड़े हुए हैं जो कुलपति रह चुके हैं कोटा विश्वविद्यालय के, वो भी आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तो जी, मैं अपने प्रश्न का उत्तर और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। मैम एक्चुअली मैं गांव से आया था, और हमें पता है कि गांव से निकले हर क्षेत्र में, लेकिन मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूँ आर्ट लाइन में, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मुझे अब जब मैं इस पद पे मेरा नाम आया तो सबको लगा कि हमारे बीच का ही एक कलाकार आया है, और मैंने पहले दिन से सारे बैरिकेड्स हटा दिए। मैं संभाग पे संवाद मैंने शुरू किया स्टार्टिंग में ही। तो मैं जब बीकानेर गया पहली बार एकेडमी चेयरमैन बनने के बाद में, तो वहां पे कलाकार रोने लग गए मेरे सामने, बोले हमने कभी चेयरमैन नहीं देखा जिंदगी में, जयपुर में चेयरमैन मिलते नहीं है और यहाँ कोई आता नहीं है। तो मैं लगभग अभी राजस्थान के सभी संभागों में मैं कलाकारों से रूबरू हो चुका हूँ, और उनके कोविड के समय पे उनको क्या सफर करना पड़ा था, आज कलाकार सरकार से क्या चाहते हैं, तो मैंने उनकी बातें जो भी उनकी है वो सब सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। और मैंने हमने जो अंतिम छोर तक जो कलाकार पहुंचे हैं उनको मंच देना मेरी प्राथमिकता है, और उसी तरह से हम गांव गांव में जा रहे हैं,
कांटेक्ट कर रहे हैं, और अब अभी एक दो दिन में भी हम जो डाटाबेस है वो तैयार कर रहे हैं, जिससे राजस्थान के कोने कोने में जो अंतिम छोर पर जो कलाकार बैठे हैं वो उसमें जुड़ पाएंगे। एक पूरा पोर्टल पे राजस्थान सरकार के जो पोर्टल है उस पर एक जारी कर देंगे, लॉन्च करेंगे अभी हम, तो ये मेरा रहेगा। उसके बाद में हमने महिलाओं के लिए, मैंने सबसे पहले एक कैंप किया था स्टेट कैंप, और अभी भी कल मेरा एक हमारे एकेडमी में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उन पे भी हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं, और युवा कलाकारों के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मौका दे रहे हैं, जो और वरिष्ठतम जो कलाकार हैं उनका हम पूरा सम्मान कर रहे हैं। तो सारा सबको साथ लेके हम प्रयास कर रहे हैं, सभी वर्गों को साथ लेके और सभी विधाओं को, जो हमारे क्या है कि कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं और ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं उनका भी समन्वय में बिठा के ही हमें आपसी तालमेल बिठाना होता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। तो उसके साथ साथ मेरा एक प्रश्न आपसे ये भी है कि जो कलाएं विलुप्त सी हो गई हैं, जो बिल्कुल आजकल देखने को नहीं मिलती हैं, जैसे घुदड़ी कला, ये हस्तशिल्प के उससे जुड़ी हुई, जैसे पपेट वाली है, तो गांव में जैसे घर घर में पहले पपेट बना ली जाती थी, जैसे पेपर मेशी वाली कला है, तो उनके लिए क्या नए कुछ प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं जो विलुप्त हो रही है, उन कलाओं को संरक्षण देने के लिए क्या कुछ प्रोजेक्ट आप लेकर आ रहे हैं? अभी हम जल्दी ही 33 जो अब पूरे राजस्थान के सारे जिले हैं, 35 है जो भी, उन जिलों में सभी में हम वर्कशॉप दे रहे हैं। जैसे डोगरा आर्ट हो गया, जो सैंड कास्टिंग जो घर घर में पहले होते थे जिनमें गणेश जी बनाए जाते थे, जो जो पीतल में जो बनते थे भट्टी, छोटी सी भट्टी लगा के, उसके बाद पेपर मेसी का है, उसके बाद में वाटर कलर की है, उसके बाद में हम तो मांडना तक का जो वर्कशॉप लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे रोज, क्योंकि हमारा मेन, मेरा उद्देश्य है कि रोजगार, कलाकारों को रोजगार मिले, ये हमारा मेन मकसद है। जी, कलाकार को रोजगार मिले, इसी बात पे मैं बात करने वाली थी कि जैसे आपने कहा था ना कि हर पेरेंट्स ये चाहते हैं, माता पिता ये चाहते हैं कि बच्चा प्रोफेसर बने या सरकारी नौकरी में जाए या कुछ, क्योंकि कला के क्षेत्र में जैसा कि आपने बताया था, जो भी आता है शुरू में तो उसको बहुत भारी स्ट्रगल करना पड़ता है, बड़ी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, तो उन समस्याओं से गुजरते हुए कुछ लोग तो अपनी पहचान बना लेते हैं और कुछ लोग हैं जो कहीं समय के साथ पीछे रह जाते हैं, कहीं विलुप्त से हो जाते हैं और निराशा का दामन थाम लेते हैं सक्सेस नहीं हो पाने के कारण, तो वो कहीं के नहीं रह पाते, ना जॉब के लिए लायक बच पाते हैं क्योंकि उम्र निकल जाती है, और ना कला के क्षेत्र में अपना कोई विशेष वो बना, जबकि उनके पास हुनर होता है, ऐसा नहीं कि हुनर नहीं होता है, हर कलाकार के पास कुछ ना कुछ हुनर जरूर होता है, तो ये आप क्या रोजगार का साधन दे सकती है ये कला, क्योंकि नई पीढ़ी हताश ना हो, निराश ना हो, या उनके माँ बाप उनको इस ओर आने से रोके नहीं, अधिकतर लोग रोकते हैं, मैंने देखा है कि सब कहते हैं कि इसमें भविष्य निश्चित नहीं है, तो क्या इस तरह का कुछ आश्वासन या कुछ इस तरह की आप आने वाली पीढ़ी को बताना चाहेंगे, देना चाहेंगे, आश्वस्त करना चाहेंगे कुछ कि नहीं, इस और क्षेत्र में भी कुछ रोजगार है? ये हमारा दायित्व बनता है मैम, सरकार का बनता है, और अभी जो सरकार है वो कलाकारों के हित के लिए काफी आगे बढ़ के काम कर रही है, जिसमें अभी जो पहली बार राजस्थान सरकार में बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया, उसमें 100 करोड़ रुपए आर्ट एंड कल्चर पे उन्होंने बजट की घोषणा की है प्रथम बार, और नहीं तो पर्यटन पे होता है लेकिन आर्ट एंड कल्चर का नाम पहली बार लिया उन्होंने, और कोविड के समय भी एक आपको, आपने देखा होगा पूरे भारतवर्ष में मात्र एक राज्य है राजस्थान जिसमें सभी कलाकारों को 5,000 रुपये उन्होंने प्रोत्साहन किया था, ये एक मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है इसमें। और अभी जो कलाकार है, अब जो मूर्तिकार है, उनको बजट में औजार खरीदने के लिए 5,000 रुपये के लिए उन्होंने बजट में कहा गया है, कलाकारों को भी आगे करने के लिए। उसके बाद जो लोक कलाकार है उनको रोज सरकार के लिए, सरकार से रोजगार महीने में 20 दिन रोजगार देने के लिए भी कहा गया है, और हम भी अभी जल्दी पूरे राजस्थान में जहाँ पे भी हेरिटेज है, जो भी जैसे आमेर है, चित्तौड़ है, अजमेर है, सब जगह पे हम ये प्रयास कर रहे हैं, हमारा हो गया है फाइनल लगभग, कि कलाकारों की पेंटिंग्स वहाँ लगा के और उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
जिसमें करीब करीब 500 कलाकारों को हम इसमें मौका देंगे। जी, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लेके और बहुत अच्छे विचारों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आपके रहने से मैं ये भी मान के चलती हूँ कि जब ग्रामीण पृष्ठभूमि से कोई व्यक्ति जुड़ता है और ऊपर तक आता है तो उसकी दृष्टि और उसकी सोच भी बहुत गहराई तक पीछे तक पहुंचती है और देखती है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा कोई व्यक्ति वंचित ना रह जाए, वंचितों तक उसकी दृष्टि जाती है। तो इसके लिए बहुत साधुवाद है कि आप ग्रामीण इलाके से भी जुड़ रहे हैं और उन लोगों को साथ लेके आ रहे हैं और नए प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं और सभी कलाकारों को इसका फायदा होगा, सभी कलाकारों को इसकी जरूर वो मिलेगी महत्व, इसके समझ भी पाएंगे, आपके साथ जुड़ के इसका फायदा उठा पाएंगे निश्चित रूप से। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अब तक आपने बहुत सारी मूर्तियां बनाई है, कई महापुरुषों की भी बनाई है, लगभग लगभग सभी महापुरुषों की बनाई है और केवल राजस्थान में नहीं बल्कि भारत भर में आपने आपकी मूर्तियां बनाई हुई स्थापित हुई हैं, तो आपको सबसे ज्यादा उपलब्धि या खुशी किन क्षणों में हुई, कौन सी मूर्ति बनाकर हुई, कौन सा प्रोजेक्ट जब आपके हाथ लगा तब आपको लगा कि ये प्रोजेक्ट मैं चाहता था, बस इसी के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ और ये मेरा अंतिम है या ये मैं इससे आगे भी करूंगा लेकिन ये मेरा लक्ष्य था, ये मेरा ध्येय था जो मुझे मिल चुका है, तो क्या आपका ध्येय आपको मिल चुका है या और आगे जाएंगे आप अभी तक? मैम, कलाकार का लक्ष्य प्राप्त करने का कभी कुछ होता ही नहीं है, कि कला को कभी लक्ष्य के रूप में नहीं अपन साध सकते। और हर जो काम होता है, जो वर्क होता है हमारा, जो स्कल्पचर होते हैं, वो हमारे लिए विशेष होता है। जब भी कोई काम होते हैं, एक बार खुशी होती है, उसके बाद में ऐसा लगता है कि फिर कोई ऐसा काम करें, फिर इससे बड़ा काम करें, फिर कोई अद्भुत काम करें। तो मुझे तो ईश्वर हमेशा मौके देते रहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि भारत की सबसे बड़ी पंचायत पे और मुझे एक गांव से निकले एक छोटे से इंसान को भारत की सबसे बड़ी पंचायत पे काम करने का मौका मिलेगा। और जो आपको पता, सदियों तक भारत याद रखेगा। भारत की नई संसद पे जब संसद स्थापित करने का मुझे ईश्वर ने मौका दिया, तो आगे से आगे मौके कलाकार को मिलते रहते हैं। और हर काम इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, हर काम में हम प्रयास करते हैं कि उसको अद्भुत किया जाए और पूरा मतलब शिद्दत से उसको हम उसको पूरा करें। जी, जो भी काम करते हैं मनोयोग से करते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम भी बहुत अच्छे आते हैं, उसके बहुत सुंदर परिणाम आते हैं, बहुत उत्कृष्ट परिणाम आते हैं और आप उस परिणाम तक पहुंचे, ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है और पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि ये काम हमारे राजस्थान को मिला और ये काम हमारे बीच के व्यक्ति ने किया। हमको भी खुशी होती है, मुझे भी गर्व होता है जब ये सुनती हूँ। तो इस जो आपने संसद भवन पे अशोक स्तंभ की मूर्ति बनाई है उसके बारे में कुछ विस्तार से प्रकाश जरूर डालिए। मैम, ये जो टाटा कंपनी है उनको ये जो भारतीय संसद है उन्होंने बनाई, तो उन्होंने विचार किया कि इनकी जो, क्योंकि मेरी जयपुर में कार्यशाला है मेटल कास्टिंग की, तो उन्होंने डिजाइन उन्होंने बनाया था और डिजाइन बनाने के बाद में मुझे बोला गया कि मतलब उन्होंने भारत में कई लोगों से बात की इस बारे में, लेकिन लास्ट में उन्होंने अंततः मेरा चुनाव किया और मुझे कहा गया कि आपको मेटल में कास्टिंग करके और वहां पर स्थापित करने का काम करना है आपको। हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किलें आई क्योंकि करीब 50 डिग्री का टेम्परेचर था हमारे वहां पे दिल्ली में उस समय, जून का महीना था, और हमें नहीं पता था क्योंकि वहां पे विशाल काय जो अशोक स्तंभ लगा था उसके ऊपर किसी तरह का कोई छांव या किसी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता था। और हमें धूप और क्योंकि एक समय भी सीमा थी, तो हमें रात और दिन लगातार 36-36 घंटे भी हमने लगातार काम किए, लेकिन मेहनत रंग लाई जब देश के प्रधानमंत्री जी ने पीठ थपथपाई और मुझे कहा बहुत अच्छा काम किया आपने। तो मेरे लिए ये सबसे अच्छा समय था जो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा आपने काम अच्छा किया। और ये कुछ अलग अलग टुकड़ों में करके बनाई आपने, फिर इसको ज्वाइंट किया और शायद, है ना? जी 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 जी, ये एक्चुअली में ये इटालियन लॉस प्रोसेस से बना गया था। जब हमें डिजाइन दिया गया उसके बाद हमने उसकी डाई लेके उसको वैक्स में मोम में बनाया। मोम में बनाने के बाद में हमने इसकी कास्टिंग की। कास्टिंग करने के बाद में जो पीसेज हैं
वो वहाँ सारे पिच वहाँ ले जाए गए और उनको वहाँ पे जोड़ा गया। और रात दिन हमें करके और उस हवाओं में और गर्मी के अंदर हमें वहाँ पे, क्योंकि इतना ज्यादा समय हमारे लिए प्रतिकूल था, फिर भी हमने काम किया और रात भर दिन में हमें लगा कि, क्योंकि सवाल था कि भारत की सबसे बड़ी पंचायत पे हमारी प्रतिमा लगने जा रही थी, तो इसलिए ये एक अंदर में सब में उत्साह भी था कि कोई बात नहीं, अपन एक बार परेशान भी होंगे लेकिन हमें इतना बड़ा काम कर जाएंगे कि सदियों तक सब याद, दुनिया याद रखेगी। जी, निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हो गया है, आसान काम नहीं था, और काम को जब पूर्णता मिली तो खुशी होती है। और जो सिद्धत आपने, जो आप कह रहे हैं, जो मनोयोग से आपने ये काम किया और उसका प्रतिफल आपको अच्छा मिला, तो हौसला और बुलंद होता है और आगे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करने की इच्छा होती है। और जो हमने मेहनत की होती है, जो थकान हमारे भीतर आई हुई होती है, जो रतजगे हमने झेले हुए होते हैं, जो परेशानियां हमने झेली हुई होती है, वो फिर काफूर हो जाती है, सारी कहीं गुल हो जाती है जब हम अचीवमेंट की ओर बढ़ जाते हैं, जब हम कोई उपलब्धि हासिल कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से याद आते हैं, दिन याद आते हैं कि अच्छा वो कितने स्ट्रगल वाले दिन थे, कितनी परेशानी के दिन थे, कितनी समस्याएं हमने इस बीच उठाई है। अच्छा, उसके बाद में कई लोग होते हैं जो बेवजह की आलोचना भी करते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं तो कुछ लोग आलोचना भी करते हैं। तो ये जो आलोचना करते हैं, इन लोगों से कैसा लगता है आपको? कुछ निराशा आती है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आलोचनाएं नहीं होगी तो फिर अभी सभी लोग हमें कहेंगे अच्छा अच्छा है, तो हमारे अंदर भी शायद अहंकार भी आ जाए, लेकिन जब आलोचना करते हैं तो हम एकदम सामान्य रहते हैं, हमें लगता है नहीं हमें कोई और सुधार करने की जरूरत है, आलोचना से सीखने की जरूरत होती है, आलोचनाओं से कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, आलोचनाओं से हमेशा सीखना चाहिए, हो सकता है वो कुछ सही कह रहे हो। जी, और अगले एक चीज, और महिला होने के नाते ये जानना चाहती हूँ कि मूर्ति कला में महिलाएं बहुत कम आ रही हैं, इसका क्या कारण है, और उनके लिए आप क्या प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं उनके लिए, इस कला से जोड़ने के लिए? क्योंकि कुछ को तो मैं जानती हूँ, जैसे पंकजा तुनवाल वगैरह हैं, ये मूर्ति कला से जुड़ी हुई, लेकिन और इस और महिलाएं आए, मुश्किल है, मानती हूँ थोड़ा सा कठिन काम है, बाहर का काम है, जैसा आपने बताया कि धूप में भी है, लेकिन जब आज एरोप्लेन उड़ा रही है, आर्मी में है, नेवी में है महिलाएं, तो क्या ये काम भी तो बड़ी आसानी से कर सकती होंगी, तो उनके लिए क्या प्रोजेक्ट लेके आ रहे? हमने जब मैं एकेडमी में मनपत बार ग्रहण किया तो मैंने पहला कैंप ही महिलाओं के लिए लगाया था, स्टेट कैंप, और उसके बाद में मैंने एक वर्कशॉप भी लगाई थी जिसमें प्रदेश की पूरी महिलाएं, जो मूर्ति कला पे था तो सभी महिलाओं ने, प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, और आगे भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक स्टेट कैंप और एक नेशनल कैंप महिलाओं के लिए भी हम लगाएंगे और वर्कशॉप भी लगाएंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि हर जिले में जाके और ये वर्कशॉप लगाई जाए जिससे महिलाओं को मौका मिले, और क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी की भी मंशा है कि महिलाओं को आगे ज्यादा मौका मिले, और वो प्रयास भी इतना ही, सरकार आगे बढ़ के महिलाओं के लिए काम कर रही है और उनकी मंशा भी यही है, तो हम उसी मंशा के, उनकी प्रेरणा से ही काम कर रहे हैं कि महिलाओं को ज्यादा ज्यादा मौका मिले और कला के क्षेत्र में महिलाएं आगे आए, मूर्ति कला में भी महिलाएं आगे आए। जी, तो आपके प्रयास रहेंगे तो निश्चित रूप से अवसर मिलने चाहिए, महिलाएं फिर कहीं हार नहीं मानती, ये मैंने देखा है, वो बहुत आगे बढ़ के और बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत डूब करके और अपने पूरे एफर्ट्स लगा के काम करती हैं महिलाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, ये भी मैंने देखा हुआ है, जिस भी क्षेत्र में वो जुड़ जाती है बड़े अच्छे से रिजल्ट लेके आती है, तो निश्चित रूप से आप जोड़िएगा। और क्या स्कूलों में इस तरह की आर्ट को जोड़ा जा सकता है स्कूलों के कोर्स में, जहां से शुरुआत से ही, ताकि उनके पास एक सीखने का एक साधन, एक सुविधा, एक क्षेत्र रहे, एक उनके सामने क्राइटेरिया रहे कि हमें ये करना है, तो स्कूल स्तर पर शायद ये कला मूर्ति कला से नहीं जोड़ा जाता है, कुछ और आर्ट्स वगैरह तो ली जाती है, लेकिन ये शायद अभी कोर्स में मूर्ति कला वाला कोर्स शायद स्कूल स्तर तक नहीं है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो ड्राइंग और पेंटिंग और फाइन आर्ट्स तो है वो तो सभी है स्कूल में, जी, लेकिन मूर्ति कला नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि सभी जो स्कूल्स हैं उनमें मतलब ज्यादा नहीं तो साल में 5 या 6 वर्कशॉप मूर्ति कला की होनी चाहिए, क्योंकि
क्योंकि अपने तो पहले घरों घरों में और गांव में चाक चलते थे, तो लेकिन आज तो दुर्लभ हो गए हैं। चाक भी हर जगह मिलते नहीं और हर किसी को चलाना भी नहीं आता। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ऐसे मौके करने चाहिए, और सरकार से भी हम बात करेंगे कि इस तरह के जो स्कूल्स हैं वहां पे मूर्तिकला की जो वर्कशॉप है वो लगाई जाए। जी, और उसके अतिरिक्त जैसे कि मैं उदयपुर के शिल्प ग्राम के बारे में बात करती हूँ कि एक ग्रामीण अंचल पूरा का पूरा वहां नजर आता है। ऐसे लगता है हम किसी गांव में आ चुके हैं और पूरा ग्रामीण परिवेश हमें वहां देखने को मिलता है। वहां पूरी कला से जुड़ा हुआ सारा शिल्प, अद्भुत शिल्प वहां देखने को मिलता है। चाहे आपकी मेटल की मूर्तियां हो, चाहे मिट्टी की मूर्तियां हो, चाहे चाक वाली बात हो, है ना, चाहे पूरा। तो क्या इस तरह के प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री से बात करके लगभग राजस्थान के सभी शहरों में नहीं कर देने चाहिए? मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भल्लो साहब कला कला और कलाकार के देशी है। देशी वो सदैव कलाकारों के लिए हित में खड़े रहते हैं, और जब भी कोई उनके सामने इस तरह का प्रोजेक्ट लिया लेके जाया जाता है तो वो तुरंत उनमें हामी भरते हैं और कलाकारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और अभी यहाँ पे भी जयपुर में भी हमने अभी कला मेला किया था, तो हमने मूर्तिकला के लिए अलग से जोन रखा था कि अलग अलग जो भी प्रदेश के, क्योंकि अब की बार जो मूर्तिकला में जो एक स्टोन में जो काम करते हैं वो थोड़ा सा उनको कैरी करना और लाना ले जाना काफी भारी पड़ता है। फिर भी हमने प्रयास किया था कि जयपुर तक के कलाकारों को भी ये वहां पे रखें, और आगे हमारा एक प्रयास भी रहेगा कि मूर्तिकला का ये कला मेला हम करने के लिए आगे जाके एक प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, और निश्चित रूप से आप क्या सोच के चल रहे हैं, आप क्या नवीनता लाना चाहते हैं, आप क्या बदलाव चाहते हैं? क्योंकि अकादमी अब तक भी बनी रही है, उन्होंने भी काम किया है, लेकिन आप क्योंकि युवा पीढ़ी के हैं तो युवा सोच थोड़ी अलग सी होती है। तो आप क्या प्रोजेक्ट सोचकर, क्या नई थीम लेकर काम करना चाहते हैं, थोड़ा सा हमारे श्रोता और दर्शकों को ये भी बताइए, ताकि वो भी मेरा आपको सुन के थोड़े से तैयार रहे कि हमें ये काम मिल सकता है। मेरा जो जो विशेष जो है मैम, को हम चाहते हैं कि गांव के अंदर जो कलाकार जो है, बहुत ऐसे लोग हैं जो आपने पहले बात की थी कि उन्होंने मतलब उनको नहीं मिला, क्योंकि सरकारें जो होती है वही प्रोत्साहन करती है, और जब तक सरकार साथ नहीं आएगी, कोई स्ट्रगल के समय पर अगर मदद नहीं मिलती है तो कोई भी कलाकार आगे नहीं बढ़ पाता है स्टार्टिंग में। उसके बाद जब नाम हो जाता है, ख्याति हो जाती है, तो कलाकार आगे बढ़ जाता है। लेकिन मैं ये हमारा ये मेन ये है कि गांव में जो बैठे हैं उनको मंच देना, अंतिम छोर तक जो कलाकार बैठे हैं उनको मंच देना, युवाओं को सबसे ज्यादा आगे लेके आना। और हम हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि हमारा तो आगे ये भी प्रयास है कि हम हर जिले में कला मेला लगाए वहां पे, जिससे रोजगार के साधन मिलेंगे और कलाकारों की जो कला है जयपुर तक जो नहीं पहुंच पाते हैं वो अपने जिले तक तो श्योरिटी से पहुंचेंगे, और वो सरकार की नजर में आएंगे और लोगों की नजर में आएंगे। उनको लगेगा कि, क्योंकि आज आपको पता है कि मीडिया भी चौथा स्तंभ है, जैसे ही कोई, अभी एक हमारे नोहर से एक कलाकार थे जिन्होंने जीवन भर में उनको कभी कभी मौका नहीं मिला, और अभी उनको यहाँ पे अवार्ड मिला। आज जयपुर में जो हमारे कला संस्कृति मंत्री हैं बीडी कला साहब, उन्होंने उनकी जो एक कास्ट की मूर्ति है वो उन्होंने खरीदी वहां पे, तो उनको लगा कि जीवन में हमें शायद पता नहीं क्या मिल गया, और पूरे जीवन का एक उनको मतलब जैसे कोई फल मिल गया हो। तो हम ऐसे लोगों को आगे ला, मेरा हम हमारा सबका पूरी टीम का हमारा ये प्रयास रहता है कि जो लोगों को कभी मौका नहीं मिला और जिन तक कोई पहुंच नहीं है वहां तक एकेडमी पहुंचेगी। अकादमी तक आने की जरूरत नहीं है कलाकार को, अकादमी खुद कलाकारों के पास जाएगी। जी, अकादमी खुद कलाकारों के पास जाए, ये इससे अच्छा सुअवसर क्या हो सकता है कि कलाकार तो खुद तलाश करता रहता है, अप्रोच लगाता रहता है, इधर उधर ढूंढता रहता है कि कहीं मुझे अवसर मिल जाए, लेकिन अवसर नहीं मिलते हैं। तो सिर्फ अधिकतर देखा गया है कि निराशा हाथ लगती है। लेकिन जिस तरह आप नए प्रोजेक्ट सोच कर चल रहे हैं,
नए विचार और नई थीम के साथ चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपको सफलता जरूर मिले और आप जिस अच्छी सोच और अच्छे मंतव्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो राजस्थान की कला और संस्कृति को आप विश्व स्तर पर एक अलग ही पहचान बनाने में आपका योगदान रहेगा और याद करेंगे लोग आपको कि आप जब आए और आपके हाथों में जब ये कला वाला डिपार्टमेंट रहा तो आपने ये बिल्कुल अलग हटकर काम किया और उस समय कलाकारों को बहुत अच्छे अवसर मिले, सुअवसर मिले जिनसे उनकी पहचान बनी और जो अधिकतर कला के क्षेत्र में निराशा व्याप्त है। अधिकतर कलाकार यही कहते हैं कि इससे पेट भराई नहीं होती, पेट भले ही भर ले लेकिन एक ढंग से जो एक इज्जत की जिंदगी जीने के काबिल होना चाहिए हर व्यक्ति, जो कि एक सरकारी नौकरी की तरह कम से कम एक मध्यम वर्ग परिवार जितना तो वो अपना खर्चा उठा सके या जिस तरह तो एक जीवन यापन कर सके वो अपना, उस तरह की एक जीवन कला दे सके ताकि कला की भी इज्जत बने। नहीं तो कलाकारों को शायद आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण ही शायद अच्छा नहीं माना गया हमारे समाज में। तो राजस्थान की कला और संस्कृति को, अगला प्रश्न है मेरा, आगे बढ़ाने के लिए आप राजस्थान से बाहर भी किस तरह लेके जाना चाहते हैं, विदेशों तक देश भर में किस तरह लेके जाना चाहते हैं? अभी हमारा हमने सभी एकेडमीज को पूरे भारत की एकेडमीज हैं और भी दिल्ली में जैसे बीकानेर हाउस हैं, हमने सबके साथ एमयू किया है। अभी कई उनके साथ चल रहा है हमारा। तो हम राजस्थान के जो कलाकार हैं उनका, क्योंकि सरकार की एक आदान प्रदान के होती है ये परियोजना, तो उसमें हम वहाँ के कलाकार यहाँ आएंगे और यहाँ के कलाकार वहाँ जाएंगे, इस तरह का एक प्रयास हम कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली में वहां पे लगे, बॉम्बे में भी हम प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पे कला का जो बाजार है वहां पे हम कलाकारों तक को मतलब लेके, उनकी कलाओं को लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनको लेकर आप जब जाने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या क्या आपने कलाकारों की कोई डायरेक्टरी बनाने का या कुछ इस तरह का अलग अलग उसमें पार्ट बना के ये इस कला से जुड़ा हुआ इस गांव से, इस तरह का भी कोई योजना आपके दिमाग में है? मैंने अभी जिक्र किया था आपको कि एक दो दिन में हम लॉन्च कर रहे हैं, हम सरकार के पोर्टल पे, उसमें जी जो भी अंतिम छोर जो कलाकार बैठे हैं उनकी कलाकार डायरेक्टरी बना रहे हैं सबकी, शायद वो कल या परसों में हम उसका लॉन्च कर देंगे, जिसमें अच्छा सरकार को भी बता रहे हैं कि कलाकार है, जब भी कोई सरकार को सहयोग करना चाहे और कोई भी कलाकार को आगे बढ़ाने का कोई प्रयास हो तो वो डायरेक्टली उसे लाभ मिलेगा और हर कलाकार को उससे लाभ मिलेगा। जी, जो नई पीढ़ी है वो कला से जुड़े और जुड़कर अपना एक अलग से अपनी एक पहचान कायम कर सके, तो उनके लिए कुछ टिप्स जरूर बताइए आप उनको कि कैसे काम की शुरुआत करें, कहाँ से करें, जिस किसी भी फील्ड में करना चाहता है कहाँ मिले, अगर वो अपने गांव में जाके किसी से मिले कि भाई मैं इस क्षेत्र से हूँ या इस कला के इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ तो किससे संपर्क करे, कैसे वो आपके जयपुर तक पहुंचे, कैसे वो अपने गांव में अपनी पहचान बनाए, किस व्यक्ति से उसका संपर्क हो कि उसको भटकना नहीं पड़े? सभी आर्ट एंड कल्चर में डिपार्टमेंट में जो अकादमियां हैं, करीब 10 अकादमियां हैं, साहित्य अकादमी है, सिने नाटक अकादमी है, उसके बाद में संस्कृत अकादमी है, अकादमी है, संगीत अकादमी, तो सभी भाषाओं की, साहित्य की, कला के संगीत की अकादमी है। और अकादमियों में अब संपर्क बहुत आसान भी है, क्योंकि सभी आजकल डिजिटल समय है और आप एक भी कहीं पे भी मेल करते हैं या कहीं पे भी कांटेक्ट करते हैं तो तुरंत आपको जवाब मिलेगा। और हमारी अकादमी में तो ऐसा है कि हमने सारे बैरिकेड हटा रखे, हमें कभी भी कोई भी किसी भी समय 24 घंटे कलाकार कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमने, क्योंकि हमारे पोर्टल पे भी हमारा नाम है और हमेशा हमारा जब भी मेरे को चाहे तो मेरे नंबर सब जगह पे है। और एकेडमी जैसे अभी कोटा में हमारी गैलरी है, वैसे हम चाह रहे हैं कि हर संभाग के आर्ट सेंटर खुले जिससे जयपुर तक आना ही नहीं पड़े
और संभाग स्तर पे ही उनका काम हो जाए, तो ये भी एक प्रयास चल रहा है जल्दी। और अभी जोधपुर में 25, 26, 27 को राजस्थान का एक बहुत बड़ा ये लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, जिसको साहित्य कुंभ नाम दिया राजस्थान सरकार ने, तो इससे काफी कलाकार और साहित्यकार लाभान्वित। बिल्कुल, एक ऐसा आयोजन भी होना चाहिए जिसमें कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, मतलब एक मेला, इस तरह का मेला भी हो जिसे कला क्षेत्र से, चाहे वो साहित्य से जुड़ा हो, चाहे ललित कला अकादमी का हो, चाहे वो नाटक, संगीत नाटक कला अकादमी का हो, तो उनका भी एक मेल मिलाप होना बहुत जरूरी, एक दायरा होना बहुत जरूरी है आपस में, जिसमें कि वो एक दूसरे को भी प्रमोट कर सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे हमारे यहाँ शिल्पग्राम का उत्सव होता है, तो उसमें हर तरह के आर्टिस्ट आते हैं, हर तरह के, चाहे मूर्ति कला के हो, चाहे कास्ट कला के हो, चाहे कपड़े वाले हो, चाहे नृत्य वाले हो, चाहे संगीत वाले हो, तो उस तरह के निश्चित रूप से आपने जो ये करने जा रही है गवर्नमेंट, ये काफी अच्छा सराहनीय प्रयास है। उसके माध्यम से कई लोगों का आपस में संपर्क होगा और एक दूसरे के माध्यम से भी कई बार हमें रास्ता मिल जाता है कि आप इस रास्ते पर या यहाँ अभी से इस तरह मैं आपकी थोड़ी बात एक बार करता हूँ। अभी बजट में भी घोषणा की गई है कि कला संगम कराया जाएगा, एक अंतरराष्ट्रीय कला संगम का एक बजट में मुख्यमंत्री मोदी ने भी इसकी घोषणा की है, तो जल्दी सभी कलाओं को लेके कला संगम का, अंतरराष्ट्रीय कला संगम किया जाएगा, तो ये सभी कलाकारों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। मुझे लगता है कि जो ये म्यूजियम होते हैं आर्ट्स और कला से संबंधित, ये छोटी जगहों पर ना के बराबर है। कई कस्बे ऐसे हैं जो काफी संभ्रांत कस्बे हैं, लेकिन वहां म्यूजियम जैसी कोई चीज नहीं है, कला और संस्कृति से जुड़ी हुई कोई चीज नहीं है। जैसे मैं अपने ही कस्बे ओसियां की बात ले लेती हूँ, बड़ा संभ्रांत कस्बा है, लेकिन वहां पर कोई म्यूजियम जैसा, और जबकि बहुत पुरानी शताब्दी का है, तो उस तरह के वहां तक पहुंचने के लिए कुछ प्रोजेक्ट आप जरूर तैयार कीजिएगा। और वहां गवर्नमेंट से ये जरूर आप निवेदन कीजिएगा कि ऐसे हर छोटे जगह पर कम से कम कला और संस्कृति को लेके एक छोटा मोटा म्यूजियम तो होना ही चाहिए, जिससे रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो और वहां के जो लोकल कलाकार हैं उनको भी कार्य मिल सके। कुछ इस तरह के पपेट शो किए जाएं गांव गांव स्तर स्तर पर, या जो ये गुदड़ी कला देख रही हूँ कि लगभग विलुप्त सी हो रही है, जिसमें बाड़मेर जैसलमेर की औरतों को मैंने खुद काम करते हुए देखा कि वो इतना बारीक और सुंदर काम कर रही है, लेकिन उनको समुचित उनका जो खर्च उस पे लगता है वो पूरे पैसे उनको मिल नहीं पाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो विदेशी अपने मेहमानों के सामने तक पहुंच पाते हैं, कुछ घरों में जो करते हैं तो वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन तक के लिए भी कुछ ऐसा क्या प्रोजेक्ट लाएंगे आपकी, जिस तरह से उनको वहां तक पहुंचा पाए, वो अपनी चीजें पहुंचा पाए, क्या इस तरह का कोई ऐसा व्यापार या इस तरह का कोई ऐसा मेला हर गांव में लगाया जाए, जहाँ के लोकल कलाकारों को, उनको अपनी वस्तु लेकर वो आए, कोई ऐसी हाट लगाई जाए, ऐसा भी कोई विचार या प्रावधान है आपके बजट में? इसके लिए हम प्रयास करेंगे और सरकार भी चाहती है इस तरह से कि धीरे धीरे संभाग स्तर पे भी, जिला स्तर पे, फिर तहसील स्तर पे, कस्बे स्तर पे भी ये चीज लेके जाए, तो इस पे काम चल रहा है ऑलरेडी। और कला संस्कृति विभाग भी प्रयास कर रहा है कि जल्दी जल्दी इस तरह से, जो क्योंकि हमारा भी एक लक्ष्य है कि, क्योंकि जो मैंने पहले भी कहा, अंतिम छोर पे जो कलाकार बैठे हैं उनको आगे लगाए, तो ये उसी कड़ी में है ये, कि वहां तक अगर अकादमी जाएगी या सरकार जाएगी तो उसी तौर पे कलाकारों को बुलाओ। वही उन कलाकारों को समुचित उनका दाम भी मिले, मतलब कई बार ऐसा होता है कि उनको कोड़ियों के भाव अपनी चीजें देनी पड़ जाती है, समुचित अच्छे खरीदार नहीं होने से या खरीदारों की बार्गेनिंग से ले, तो एक क्या निश्चित मूल्य तय किया जाना चाहिए किसी भी चीज का, ताकि उनको उनका एक समुचित पैसा मिल सके, एक समुचित उनका जो खर्च हुआ है कम से कम वो उनको मिल सके, उनके मेहनताना उनको जो बनता है वो मिल सके, तो उस तरह का भी एक प्रावधान क्या सरकार के लाने का विचार है जिसमें एक निश्चित मूल्य रखा जाए? देखिए सरकार के साथ जब भी कलाकार जुड़ेगा तो उनके साथ कभी गलत नहीं होगा, और बाकी प्राइवेट में कहीं पर भी कुछ हो सकता है, इसलिए सरकार जो कला मेला लगाती है, जो ये भी लगाते हैं, ये उद्योग विभाग है वो भी लगाते हैं,
तो ये मेरा मानना है कि मेरा जब मानना है कि सरकार के साथ जब जुड़ते सरकार हैं के साथ कोई भी, जुड़ते हैं तो कोई भी, उनके साथ गलत तो नहीं उनके होता साथ है। गलत नहीं होता है, तो तो सरकार यही सरकार चाहती है यही कि चाहती है कि ज्यादा 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 संख्या में पाकरों संख्या में पाकरों को मौका दे, को मौका तो दे, दे भी रही है तो सरकार दे भी रही है पाकर। सरकार का पाकर। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो ये स्टॉल दी जाती है किसी भी मेले में कहीं भी, जिसका एक कुछ खर्चा सरकार रखती है, नॉमिनल चार्जेस रखती है, उसका किराया रखती है, तो कई आर्टिस्ट ये कहते हैं कि खर्चा भी नहीं निकल पाया है, तो उसकी और क्या विकल्प है उसका? जैसे अभी हमारे जैसे कला मेला पर, अभी हमारे तो हमने सरकार से, सरकार मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया था कि जो कलाकार आए हैं तो उनका, हालांकि हम नॉमिनल चार्ज रखते हैं, सरकार कभी ज्यादा चार्ज रखती भी नहीं है, तो हमने ये मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि ये जो कलाकार आए इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो सभी कलाकारों की, लगभग सभी कलाकारों की पेंटिंग खरीदने के लिए सरकार ने आदेश दिए, और वो कार्य हमारा चल रहा है अभी। तो जो भी, जिन्होंने भी भाग लिया था, सबकी पेंटिंग सरकार खरीद रही है। तो ये भी एक अच्छा कदम है सरकार का। उन्होंने, जब हमने निवेदन किया तो मंत्री मोदी ने तुरंत इसको स्वीकृति भी दे दी। और क्योंकि इस सरकार में कभी भी कलाकारों के लिए, जब भी कलाकारों के हित की कोई बात होती है, तो तुरंत सरकार से स्वीकृति मिल जाती है। जी? और एक और जरूरी प्रश्न आपसे कि जैसे माँ बाप नहीं चाहते कि कला के क्षेत्र से बच्चे जुड़े, तो आपके बच्चों को लेके आपकी क्या राय है? क्या वो इस क्षेत्र में आए हैं, जुड़े हैं, या उनको कैसा लगता है, या उनकी क्या सोच है? कई बार ऐसा होता है, जिस जो भी व्यवसाय होता है घर में, तो पिता ऐसे चाहते हैं कि बस वो बच्चा उस व्यवसाय से जुड़ जाए और उसको आगे बढ़ाए। तो क्या आपके बच्चों की इच्छा है इसमें आने की या नहीं होती है, तब आपका क्या विचार रहता है? देखिए, कोई भी घर में जब बच्चे होते हैं तो हर बच्चे माँ होते हैं बाप तो चाहता हर है कि माँ मेरा बाप बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कभी भी कोई ये नहीं चाहता कि वो कलाकार बने, कभी कोई चाहते ही नहीं है सर। मैं लेकिन एक बार यहाँ टोकना चाहूंगी, मैं यही टोकना चाहूंगी यहीं पर, आपको एक बार क्षमा चाहती हूँ, लेकिन क्यों नहीं चाहता है उसके लिए आप क्या करेंगे ये जरूर बताना, कि चाहे माँ बाप कि मेरा बेटा कलाकार कला के क्षेत्र में जाके भूखा नहीं मरेगा या पहचान से वंचित नहीं रहेगा, उसकी और आपके और सरकार के क्या कदम होंगे, एक प्रकाश जरूर डालिएगा। जी मैम, एक्चुअल में हम जो प्रयास कर रहे हैं, हम गांव से जो कलाकार हैं उनको मौका दे रहे हैं, उनको अवार्ड्स दे रहे हैं, उनको रोजगार का साधन मुहैया करा रहे हैं। तो एक इस तरह से एक माहौल पैदा हो रहा है, सकारात्मक माहौल पैदा हो रहा है कला के प्रति, कि लोगों को लग रहा है कि कला के क्षेत्र में जाना चाहिए। रही बात मेरे बच्चों की, तो मैं तो एक, ये कलाकार का घर है तो यहाँ पे फ्रीडम रहता है कि इसको क्या करना है। मेरा जो बड़ा बेटा है वो अभी थर्ड ईयर में मूर्तिकला में वो अपनी अध्ययन कर रहा है, और उन्होंने जब मुझे शुरू में बोला कि मुझे इसी में जाना है, तो मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा मेरे वजह से आ रहे हो या तुम्हारा इंटरेस्ट है इसमें। तो उन्होंने अपनी मम्मी को स्केच बुक दिखाई, तो उन्होंने काफी चित्र बना रखे थे। मैंने बोला ठीक है, तुम्हारा इंटरेस्ट है, और वो बहुत ही मन से इस क्षेत्र में जाना चाह रहा है, और अभी थर्ड ईयर में है वो। और जो छोटे वाला बेटा है उसका इंटरेस्ट नहीं है अभी तक इसमें, और वो, उसको भी आजादी है, वो जिस क्षेत्र में भी जाए। लेकिन बड़े बेटे ने अपने आप को ये कला के, क्योंकि आप मानते हैं गॉड गिफ्ट होता है, और ईश्वर अपने आप आपका सब कुछ तय करता है। तो ये तो कलाकार का घर, हमारे घर में तो कोई ऐसा ही नहीं कि तुम्हें यहाँ जाना है, कि कलाकार आपको पता फ्रीडम देते हैं हमेशा, सभी देते होंगे, लेकिन कलाकार के घर में एक कलाकार, क्योंकि आपको बताइए कि दिल से एकदम स्वच्छ होते हैं, सभी होते हैं, लेकिन कलाकारों का एक फ्रीडम होता है, तो उस हिसाब से हमने तो पकड़। कलाकार थोड़ी सी इस तरह रहते हैं, थोड़ी फ्रीडम तो होती ही है, उसके साथ थोड़ी संवेदनशील होते हैं, वो जी सोचते हैं कि कोई हाइट नहीं हो, कोई जो अपने विचारों को लेके आगे बढ़ना चाह रहा है, अपनी सोच को लेके आगे बढ़ना चाह रहा है, या अपने सपनों को लेके आगे बढ़ना चाह रहा है, क्योंकि वो उस दौर से खुद गुजरा हुआ होता है, तो उसे पता होता है उसे। जी मैं एक गांव से निकला और आज भारत की संसद पे मैंने प्रतिमा स्थापित की, इससे बड़ी प्रेरणा बच्चों के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए क्या हो सकती है। जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वहां पे मेरे स्कल्पचर लगे हुए हैं। आज मैंने कतर में जो एम एम हुसैन साहब का जो म्यूजियम बनाया, वो मेरे यहीं से जो स्कल्पचर बने, हमने बनाए थे। तो
तो ये प्रेरणा काफी है, अगर कोई सीखना चाहे तो, उससे प्रेरणा लेना चाहे कि संसद तक एक गांव से निकला हुआ कोई पहुंच सकता है, इससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है। बिल्कुल, गांव में तो बहुत हीरे होते हैं, बस उनको तराशने की जरूरत होती है, उनको उचित अवसर मिलने की जरूरत होती है और उचित दृष्टि उन पर पड़ने की जरूरत होती है। मेहनत भी मैंने देखा है, गांव के लोग बहुत करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत से नहीं घबराते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं एक हेजिटेशन होता है शहर में जाकर अपनी छवि कैसे बनाई जाए, या शहर में रहकर स्ट्रगल करके भूख और प्यास से लड़के किस तरह अपनी छवि बनाई जाए या किस तरह अपनी प्रतिभा को जग के सामने लाया जाए, निखारा जाए, तो वो एक स्ट्रगल तो जरूर रहता है। तो एक और मेरा अनुरोध भी रहेगा कि इस तरह के कलाकारों के लिए भी सरकार, कलाकारों के लिए स्पेशली इस तरह के हॉस्टल जरूर बनाए रहने के लिए, ताकि उनको कहीं शहर में जाकर जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी किसी के साथ, आर्टिस्ट के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, तो उनको एक सुविधा मुहैया रहे, उनको एक जिंदगी जो मतलब केवल रोटी और उसके लिए उलझ जाती है कि कैसे कहाँ रुके, शहर में आए आपसे कुछ सीखना चाहे तो रुके कहाँ, पैसा कैसे, आर्थिक व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं होती है उनकी। तो सरकार से अनुरोध आपके माध्यम से रहेगा कि ऐसे लोगों के लिए कम से कम जिला स्तर पर तो कलाकारों के लिए अलग से हॉस्टल बनाए जाए, जो उनको नॉमिनल चार्जेज के साथ उनको रहने की सुविधा और सारी सुविधाएं मिल सके। तो ये मेरी तरफ से भी आप जरूर ये सरकार से एक मांग जरूर कीजिएगा, ये मेरी मांग है, क्योंकि मैंने स्ट्रगल करते हुए बच्चे मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, जिनको गांव से आ तो जाते हैं वो बड़े सपनों के साथ में, लेकिन उनको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है शहर में आके, इसलिए आधे तो हताश होके शहरी समस्याओं के कारण वापस भाग जाते हैं ग्रामीण बच्चे, क्योंकि बड़े सहज और सरल बच्चे होते हैं, नहीं जानते हैं तिकड़मबाजी, नहीं जानते हैं पैंतरे, नहीं जानते हैं कि कैसे क्या किया जाए। तो उन बच्चों के लिए मेरे एक वो रहेगी। और उसके अतिरिक्त आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे बच्चों को, हमारे कलाकारों को, वो जरूर आप अपनी बात कहिए। देखिए, आप गांव में हैं, शहर में हैं, कहीं पे भी हैं, ईमानदारी और शिद्दत से अपनी काम करें, अपना अपने आर्ट करें, और ईश्वर जरूर एक दिन मौका देंगे। अपनी शिद्दत से, लगन से, ईमानदारी से काम करें। मैं मान ही नहीं सकता कि आपको मौका नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा आपको मौका। मैं इसका उदाहरण हूं और मुझे इस चीज का अच्छी तरह से पता है कि जो भी ईमानदारी से काम करते हैं, ईश्वर जरूर उनको मौका देता है। लेकिन काम ईमानदारी से और शिद्दत से और नीयत, साफ नीयत से अपना काम करें, जीवन भी अपना अच्छा रखें और अच्छा काम करें। जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छी जानकारियां, और मुझे लग रहा कि आपको सुन के, इस साक्षात्कार को सुन के, जो भी कलाकार हताशा और निराशा के दौर से गुजरे होंगे या गुजर रहे होंगे, या अपने भविष्य को लेके कहीं थोड़े चिंतित हो रहे होंगे कि हमें इस फील्ड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो वो आपको सुनकर, आपकी प्रतिभा से मिलकर, आप जिस मुकाम तक पहुंचे हैं उससे मिलकर, आपके बारे में जानकर शायद कुछ आश्वस्त हो, उनको शायद कुछ हौसला मिले कि नहीं, इस फील्ड में भी अपनी एक छवि बनाई जा सकती है, इस फील्ड में भी अपना नाम कमाया जा सकता है, और इस फील्ड में भी आर्थिक दृष्टि से भी खुद को मजबूत किया जा सकता है। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ी सी लगन लगती है, थोड़ा सा परिश्रम लगता है, थोड़ा सा धैर्य भी चाहिए होता है। मुझे लगता है आपको कितना समय हो गया ये उस मुकाम से जहां आपने शुरू किया और यहाँ तक आप पहुंचे हैं, तो कितना समय लग गया आपको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? मैं 94 से इस क्षेत्र में हूँ, तो आप मान के चलिए करीब 25-26 साल का समय लग गया। जी, 28 साल, 28 साल लगभग हो गए। जी, हाँ, तो 28 साल पहले शायद आपने भी नहीं सोचा था, जब ये एक तरह का रिस्क ही लिया होगा आपने भी, कि क्योंकि रिस्क तो नहीं कह 28 साल सकता, ये पहले मेरी मेरी रुचि थी, ये रिस्क तो नहीं कह सकता मैं इसको, और ये कोई बिजनेस भी नहीं है कि रिस्क लेना, ये तो मेरे अंदर की भावनाएं थी, मेरी कल्पनाएं थी, और मुझे ईश्वर ने बनाई इसीलिए।
मेरा जन्म ही कला के लिए हुआ है। वाह, बहुत सुंदर बात कही आपने कि मेरा जन्म ही कला के लिए हुआ। जिस किसी कलाकार ने ये ठान लिया कि मेरा जन्म ही कला के लिए हुआ है, वो किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होगा, किसी भी परिस्थिति में हताश नहीं होगा, और कभी भी उसको यह नहीं लगेगा कि नहीं मेरा निर्णय गलत हो गया है। बस उसको मन के भीतर ये चेतना जागृत करनी होगी, उसे अपने मन को ही समझाना होगा कि मेरा जन्म कला के लिए हुआ है और इस क्षेत्र में जो मुझे मिले वो मंजूर है। जहां मुझे जो मिल जाए, जिस मुकाम तक पहुंचू, वो मुझे मंजूर है। ऐसी भावना के साथ अगर कोई कलाकार आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो लक्ष्मण व्यास जी की तरह ही आगे बढ़ेगा और एक दिन इसी मुकाम पर होगा, ये मैं भी निश्चित रूप से कह सकती हूँ। तो आपके साथ वार्ता करके आज हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारियां मिली और हमारे कलाकारों को भी बहुत हौसला बढ़ेगा आपके जो प्रोजेक्ट उन्होंने सुने हैं कि आप सुदूर ग्रामीण इलाके के आखिरी छोर तक जाना चाहते हैं और जाएंगे, ऐसा आपके एफर्ट से भी लग रहा है। अब तक जो आप कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार भी लग रहा है, जिस तरह आप एग्जीबिशंस लगा रहे हैं बार बार, उससे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वाकई आप ग्रामीण इलाके के अंतिम छोर तक, न केवल शहरों तक सीमित नहीं आपकी योजनाएं, बल्कि एकदम ग्रामीण इलाके में जो सुदूर ढाणियां जिसको बोलते हैं हमारी देसी भाषा में, उन ढाणियों तक पहुंचने का जो आपका प्रयास है, उस प्रयास में आप निश्चित रूप से सफल होंगे और सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं हमारी मंगल कामना है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।